हैरान मत होइए, यहाँ किसी पुराने खंडहर का दरवाजा नहीं खोला जा रहा है और न ही किसी पुराने बंद पड़े फैक्ट्री को खोलने की कोशिश हो रही है, बल्कि यह हाल है बिहार के सरकारी विद्यालय का, जहाँ के दरवाजों में ऐसा जंग लगा है कि इसे खोलने के लिए इसे पत्थरों से पीटना पड़ता है। इतना ही नहीं, इस विद्यालय के दरवाजे को खोलने के लिए एक या दो नहीं बल्कि तीन तीन शिक्षकों को लगना पड़ता है, उसके बाद ही इस विद्यालय के कमरे में प्रवेश पाया जा सकता है। दरअसल यह हाल है जमुई जिले के सिकंदरा प्रखंड मुख्यालय स्थित राजकीय कृत मध्य विद्यालय सिकंदरा का, जो आजादी के पहले ही बना है और अपनी स्थापना के बाद से इसने काफी स्वर्णिम समय देखा है। इस विद्यालय से कई ऐसे विद्यार्थी निकले जिन्होंने शासन प्रशासन में अपनी महती भूमिका निभाई, लेकिन आज इस विद्यालय की स्थिति ऐसी हो गई है कि यहाँ के दरवाजों में जंग लगा पड़ा है और उसे खोलने के लिए इसे पत्थरों से पीटना पड़ता है। इतना ही नहीं, इस विद्यालय के कमरे इतने जर्जर हैं कि बच्चों को मजबूरन बारामदे में पढ़ना पड़ता है। शिक्षक हों या बच्चे हों, उन पर एक अजीब तरीके का खतरा मंडराता रहता है। अब इसका एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें साफ देखा जा सकता है कि विद्यालय के कमरे को खोलने के लिए किस प्रकार उसे लगातार पत्थरों से पीटा जा रहा है और तीन तीन लोग इस काम में लगे हुए हैं। अगर 100 वर्ष का बिल्डिंग है उसको तोड़ के बनाया जाएगा, तो उस समय एक प्रोजेक्ट आया था बहुत पहले, वो उस समय हम थे भी नहीं, हम तो 4 साल से यहाँ हैं। उस समय आया था NPGL, एक संस्था थी। अच्छा। संस्था के तहत सरकार के तहत वो आया था। हाँ। और उसमें चला। विद्यालय प्रधान का कहना है कि इस विद्यालय की स्थिति काफी लंबे समय से जर्जर है और वह हाल ही में यहाँ पदस्थापित हुए हैं। ऐसे में अब क्या करें, उन्हें भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिलहाल सिकंदरा के इस स्कूल का यह वीडियो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। बिहार में विद्यालयों की क्या स्थिति है, इस वीडियो से साफ समझा जा सकता है। बहरहाल देखना यह है कि कब शिक्षा विभाग की नींद खुलती है और कब इस विद्यालय की स्थिति को सुधारा जाता है। जमुई से लोकलिटीन के लिए गुलशन कश्यप की रिपोर्ट।